इट वॉज प्लेजर टू हियर जावड़ेकर जी. उन्होंने लेकिन दो कांग्रेस सरकार के बिंदु के ऊपर स्ट्रेस किया था, महंगाई और भ्रष्टाचार. मुझे एक चीज़ कहनी है, महंगाई और भ्रष्टाचार ये दो महत्व के बिंदु है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्व का बिंदु मुझे लगता है कि ये सरकार जो चल रही है केंद्र में, वो एक दिशाहीन सरकार और कुछ भी अकाउंटेबिलिटी न रखने वाली सरकार चल रही है. कई चीज़ों में हम लोग देखते हैं इनके आर्थिक नीतियाँ सर्वसामान्य आम आदमी को पूरी जाम कर देती है. ये अलग अलग अनाउंसमेंट करते हैं लेकिन इसमें से कुछ होता नहीं. मुझे याद है दो बरस पहले न्यूक्लियर डील के बारे में कई तरह के वायदे सरकार ने किए थे. मैं पूछना चाहता हूँ कुछ उसमें से पावर जनरेशन में कुछ फर्क पड़ा है क्या? एक केवल मल्टीनेशनल्स और इंटरनेशनल बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस है जहाँ से इनको किकबैक की आशा रहती है, उनको खुश करने के लिए पॉलिसीज लाते हैं. ऐसी एक पॉलिसी FDI इन रिटेल, भारतीय जनता पार्टी ने इसको विरोध किया है और उसे विरोध करना चाहिए. इतना ही नहीं तो मैं एक उससे स्टेप आगे जाके बोलता हूँ कि भारतीय जनता पक्ष की पार्टी की जब सरकार आएगी तो ये पॉलिसी रिवर्स भी होनी चाहिए. इसमें से केवल छोटा व्यापारी मरेगा नहीं, इसमें से पूरे देश में काफ़ी इकोनॉमिक अपहीवल होने वाला है, पूरे इकोनॉमिक के ऊपर फर्क पड़ने वाला है. अगर कोई अमेरिका या यूरोप में जाके बड़े जो वॉलमार्ट जैसे स्टोर्स है उनकी काम करने की पद्धति देखें तो ध्यान में एक चीज़ आएगी. दो बरस पहले मैं अमेरिका गया था, मैं वॉलमार्ट में 3 घंटा घूमा और उसमें पूरे वॉलमार्ट में मैंने कोशिश की मेड इन अमेरिका कुछ चीज़ है क्या. मुझे अजीब लगा, एक भी आइटम नहीं मिला जिसके ऊपर मेड इन अमेरिका लिखा था. ज़्यादा आइटम पे लिखा था मेड इन चाइना, थोड़े आइटम पे लिखे मेड इन इंडिया, बांग्लादेश, होंडुरस. पूरे दुनिया में जितने देश है वो देशों का नाम मेड इन वो प्रोडक्ट पे लिखा था. और ध्यान में इस ये चीज़ आ गई कि वॉलमार्ट अमेरिका में आने के बाद अमेरिका की पूरी जो छोटे मोटे काम करने वाली इंडस्ट्री है वो पूरी ख़त्म हो गई है. FDI भारत में आने के बाद इम्पैक्ट तो 2 बरस में नहीं दिखेगा, 2 बरस में थोड़ा अच्छा भी लगेगा, लेकिन 10 बरस के बाद में यहाँ की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये भी प्रभावित होगी क्योंकि उनका खरीदी करने का मोनोपोलाइजेशन यहाँ के पैटर्न, इकोनॉमिक पैटर्न को इम्पैक्ट करेगी. और मुझे लगता है एक सबसे डेंजरस पॉलिसी विदाउट अकाउंटेबिलिटी अगर ये सरकार ने, UPA दो सरकार ने लाई है, तो FDI रिटेल में लाने की बात की है. इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है. अगले बरस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के आधे रहेगा करीबन, और इसका इम्पैक्ट डॉलर रुपी के रेट पे रहेगा. एंड इफ द रुपी डिप्रिशिएट्स एनी फर्दर आई थिंक वी हैव टू गो थ्रू फर्दर इन्फ्लेमेटरी प्रेशर्स. दिस गवर्नमेंट इज फुल ऑफ स्कैम्स. वी हैव सीन द स्कैम्स ऑफ 2G, वी हैव सीन कोलगेट हेलीकॉप्टर, बट द बिगेस्ट स्कैम प्रोबेबली विच हैज मिस द मीडिया एंड द कॉमन पीपल इज द स्कैम कंडक्टेड मेनी टाइम्स बाय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री. वेन एवर अ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज नॉट मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, आई ऑलवेज सी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और मिनिस्टर कमिंग आउट विथ अ डिक्लेरेशन दैट वो एक्सपोर्ट खुले करेंगे, प्याज का एक्सपोर्ट खुले करेंगे, शुगर का एक्सपोर्ट खुला करेंगे या बंद करेंगे. द इम्पैक्ट इज इमीजिएटली फेल्ट, आई हैव सीन इट हैपनिंग. दूसरे दिन आप प्राइस देख लो, इंडियन मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे जाते रहता है. दिस इज वन ऑफ द मेजर वे मनी इज मेड बाय पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस ट्रेड. लूटिंग के इसके सिवा महंगाई के ऊपर मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि फ्यूएल प्राइसिस
जो यूपीए सरकार ने पिछले एक बरस में काफ़ी हद तक बढ़ाए हैं वो फ्यूल प्राइसेस बढ़ने का एक कारण है। सरकार बोलती लॉस हो रहा है, ये लॉस नहीं हो रहा है। सरकार पेट्रोल और डीजल के ऊपर इंटरनेशनल प्राइस 40-42 रुपया है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर सरकार जिस पद्धति से टैक्सेशन लगा रही है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, कस्टम ड्यूटी लगा रही है, उसके कारण 42 रुपीज़ का पेट्रोल आज दिल्ली मार्केट में करीबन 72 रुपया और महाराष्ट्र और अन्य राज्य में 77 रुपया है। गोवा में हम लोगों ने ये 57 तक नीचे लाया। मुझे लगता है केंद्र सरकार जो 1.5-2 लाख करोड़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कमा रहा है उसमें थोड़ा अगर कम करें तो सामान्य आदमी को थोड़ी राहत मिलेगी। गवर्नेंस के पूरे कॉलेप्स होने का कारण कई चीज़ों में आज पूरी बॉटल नहीं गए। माइनिंग सेक्टर जो एक गोवा राज्य है, मुझे एक और अजीब लगता है कि माइनिंग का जो कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं वो केवल बीजेपी रूल स्टेट को ही हो रहे हैं। ये सेंट्रल का एटीट्यूड कैरेक्टर भी बराबर नहीं है। गोवा, कर्नाटका और ओपोजिशन के ओडिशा रहेंगे, ऐसे ही स्टेट को ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश में इलीगल माइनिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। इलीगल माइनिंग कई अन्य दूसरे राज्य में भी है, राजस्थान में भी हो सकता है, लेकिन इनका प्रॉब्लम क्रिएट करने का ये रहता है केवल एनडीए रूल्ड स्टेट्स को। और उसके कारण मुझे लगता है आज ऐसी परिस्थिति हो गई है, जो देश आयरन ओर एक्सपोर्ट कर रहा था, नेट एक्सपोर्ट कर रहा था, वो अभी नेट इंपोर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी पावर के रेट बढ़ने वाले हैं, उसका एक कारण रहेगा कोल का माइनिंग देश में पूरा कंट्रोल में कम होने के बाद कई पावर प्लांट अगर चलने हैं, बिकॉज हमें अभी रिसेंटली नोटिस मिली है 50 पैसे से 60 पैसा भाव बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कई एनटीपीसी के प्लांट इंपोर्टेड कोल पे चलाने पड़ रहे हैं। 15 बिलियन तक डॉलर्स में, मतलब करीबन 5-6% एक्सपोर्ट देश का नुकसान हुआ है और अत्यंत दिशाहीन स्थिति से ये सब मामले सुप्रीम कोर्ट में अटक रहे हैं। सरकार को कुछ दिशा नहीं है। सरकार के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं और सरकार की एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री दूसरी कह रही है। कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल होता है वो तीसरा ही होता है। और केवल गोवा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आ गया, इसके लिए शाह कमीशन का रिपोर्ट, इवन बिफोर कैबिनेट एक्सेप्टेड द रिपोर्ट, इट वाज नेवर फॉरवर्डेड टू कैबिनेट, इट वाज प्लेस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली टू एंश्योर दैट बीजेपी गवर्नमेंट इन गोवा इज हॉल्टेड इन द ट्रैक। ऐसे ये सरकार की नीतियाँ और उसके चारित्र के ऊपर भी शंका है। इसके लिए मैं ये आर्थिक प्रस्ताव को समर्थन देता हूँ और आप सब लोग को विनती करता हूँ इसके ऊपर आपका भी समर्थन चाहिए। थैंक यू।